हूँ। इस ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, एकदम ध्यान से देखना है कि इसका मेथड जो मैं बताऊंगा, ठीक ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, लिखने के जस्ट बाद अब क्या है, इसमें बोल रहा है इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे ए इक्वल टू कितना है 1 - 1 - 1 1, ठीक है, एंड बी इक्वल टू कितना है बताओ 1 1 1 1, ठीक। अब सुनो, कह रहा है कि प्रूफ करो कि इसका जो ए बी का मान होगा ना वो जीरो मैट्रिक्स है। अब जीरो मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करते हैं, तो सुनो बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। अब ए बी कैसे निकलता है, 1 - 1 - 1 1 और इंटू यहाँ पे कितना है 1 1 1 1, ठीक, इंटू है भाई, देखो इंटू। अब इंटू कैसे करते हैं तो एक बार देख लो ध्यान से, इधर 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 एक बार इधर देखो। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे को लिखते हैं 1 - 1 इंटू इंटू ऑन द स्पॉट। अब इसका ये वाला लिखते हैं 1 1, ठीक। अब बीच में क्या करेंगे, प्लस। अच्छा मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि इसके बाद एक और था, अब ये पूरा भी था, तो इस पूरे को लिखो -1 और 1 इंटू इंटू। अब जब इसको लिखोगे तो इसका मल्टीपल करोगे 1 1। अब मैंने प्लस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अब इसके आगे कुछ था ही नहीं, अब नहीं था ना तो गैप था, तो गैप छोड़ दो। फिर अगेन इसको लिखोगे, एक बार करने के बाद फिर इसको लिखोगे 1 - 1 इंटू इंटू, और फिर अब इसको लिखोगे, इसमें देखो कैसे कर रहा हूं मैं 1 1 प्लस प्लस, फिर इसको लिखोगे -1 1 इंटू इंटू, फिर 1 1 1 1, ठीक। अब देखो 1 1 जा 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1, अब ये कितना हो गया बताओ, 1 1 गया 0 0 0, और ये क्या बता रहा है, जीरो मैट्रिक्स आंसर, राइट इट करते हैं। देखो इधर देखो इधर इधर, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक ना, एकदम ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ जाना, कल आ भी सकता है, ठीक। इधर देखो, इफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट, ये मैट्रिक्स का मान ए का मान इतना दिया है और ये मुझे प्रूफ करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देख लो। यहाँ पे बस डिजिट चेंज हो सकता है, बस मेथड्स यही अप्लाई होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। अब इसमें देखो लिखेंगे सॉल्व, लिखने के जस्ट बाद जो ए की वैल्यू है ना इसको लिखो 1 - 1 - 2 - 3, और लिखने के बाद सबसे पहला काम तुमको करना क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे लाना है मुझे ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 5i इक्वल टू 0, और ये जो i देख रहे हो ना इसको बोला है यूनिट मैट्रिक्स, इसके मतलब i इक्वल टू 1 0 0 1, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी डायगोनल 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो ना डायगोनल कितना है 1 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर इधर, अब क्या करेंगे, मुझे a का मान पता है तो यहां मैं रख सकता हूं, मुझे i का मान मिल गया यहां रख सकता हूं, बट मुझे ए स्क्वायर का मान पता नहीं है, इसके मतलब ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ए इक्वल टू कितना है 1 2 - 1 3, और फिर ए का मान तो यही होगा ना 1 - 1 2 3, बोलो ना, अरे ए का मान तो यही होगा ना, अब दोनों को मल्टीपल कर दो ए इंटू ए, अब ए 1 - 1 2 3, और यहाँ पे इंटू 1 - 1 2 3, सिंपल। अब ए ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब इस पूरे को लिख दो 1 2 इंटू इंटू 1, तो यहाँ पे 1 1 प्लस प्लस - 1 3 इंटू इंटू 2 2, देखो 2 2, क्या गैप, क्यों, क्योंकि इसके बीच में गैप है। अब फिर क्या करना, इसको भी लिख दिया तुमने, देख रहे हो ना, अब गैप छोड़ दिया, फिर अगेन इसको लिखोगे 1 2 इंटू इंटू, अब ये -1 - 1 प्लस प्लस, अगेन इसको लिखोगे -1 और यहाँ 3 इंटू इंटू, अब यहाँ पे 3 3, देखा। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर 1 1 जा 1 - 2, देखो 2 1 जा 2, वो 2 1 जा 2 प्लस 6, ये कितना हो गया 1 1 जा - 1 और -3, 2 1 जा - 2 और प्लस 9। अब इसी को देखो कितना आएगा, 2 में से 1 गया -1, 6 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 कितना हो गया -4, 9 और में से 2 गया 7, ये आ गया ए स्क्वायर का मान, देखो ये वाला। अब इतना निकालने के बाद हमको ये भी मालूम चल गया, ए भी मालूम चल गया, आई भी मालूम चल गया, सबको पुट कर दो इसमें, ऑन द स्पॉट आएगा भाई, देख पुट कर रहा हूं, ए स्क्वायर कितना आ गया -1 8 - 4 7 और -4, ए का मान कितना है 1 - 1 2 3 और +5, आई का मान कितना है 1 0 0 1, बस सॉल्व कर दो, तो ये हो गया आपका -1 8 - 4 7, -4 का मल्टीपल कर दो इसमें, तो ये आपका हो गया 4 और -4
फोर का मल्टीपल कर रहा हूँ केवल, और ये हो गया आपका फोर टू जा एट और फोर थ्री जा ट्वेल्व और प्लस फाइव यहाँ पे आ गया वन जीरो जीरो वन। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं। अच्छा एक मेथड होता है बोर्ड मास, ये वाला पढ़े होंगे छोटे क्लास में बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ठीक ना भाई, पहले क्या एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे इसको और इसको लेकर के। अब पहले एडिशन करते हैं, मैं हंस क्यों रहा हूँ क्योंकि सब्सट्रैक्शन को मैं कैसे बोल दिया इसलिए। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करो, अब ऐड कैसे करो, अच्छा फाइव का मल्टीपल कर लो इसमें, तो फाइव का मल्टीपल करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान देना। पहले इसको लिखेंगे माइनस वन एड माइनस फोर और यहाँ पे सेवन, और इसको मल्टीपल करके लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो ध्यान से फाइव जीरो जीरो फाइव और माइनस इसको बाद में लिख दूंगा मैं फोर माइनस फोर एट ट्वेल्व। अब इसको जोड़ो ना कितना आएगा, फाइव में सेवन गया फोर, मतलब ऐड कर रहे हो ना, तो ये माइनस ये प्लस तो जोड़ दो फोर। अच्छा बताओ माइनस फोर जीरो तो माइनस फोर, एट और जीरो एट, ऐड कर रहा हूँ सेवन और फोर फाइव ट्वेल्व और माइनस यहाँ पे फोर माइनस फोर एट और यहाँ ट्वेल्व, माइनस करके देखो कितना आ रहा है। अब इसको माइनस करते कितना आएगा जीरो, फोर में से प्लस फोर गया ये भी कितना हो गया जीरो, देखो ना फोर माइनस में था ये माइनस माइनस प्लस, तो फोर फोर क्या हो गया जीरो। अच्छा इसको देखो एट में से एट गया जीरो, ये देखो ट्वेल्व में से ट्वेल्व गया जीरो, मतलब आंसर कितना आ गया जीरो जीरो, ये रहा आपका आंसर। और यही मुझे लाना था, आई इज यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो जीरो प्रूफ करना था, देखो जीरो 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 मतलब जीरो आ गया जीरो, राइट इट। हाय एवरीवन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन ठीक ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है, हंसो नहीं यार इधर देख, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ इतना इतना एंड इतना इक्वल टू जीरो तो एक्स का मान बताओ, सिंपल किसका मान पूछा है, एक्स का ना आसानी से कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, बोर्ड में एकदम गारंटी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट पूछेगा एक्स का मान बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एक्स का मान पूछेगा, कैसे करोगे देखो डरने का नहीं। पहले इसको लिखो एक्स माइनस फाइव माइनस वन ठीक है, और इसको लिखो वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री, मजाक में ना लेना सीरियस में लेना। अब इधर देखिए यहाँ कितना दिया है एक्स फोर वन इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं करने का, जब एक्स पूछे ना तो इसको साथ में लेकर चलते हैं, इसको भी टच मत करना, इसको भी मल्टीपल मत करना, एक्स माइनस फाइव माइनस वन, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीपल करो, तो तरीका बताया था मैंने ना, क्या करते हैं इस पूरे को लिखेंगे वन जीरो टू इंटू 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 एक्स ठीक, प्लस प्लस देख लेना ध्यान से कैसे कर रहा हूं, प्लस 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 इस पूरे को लिखो जीरो टू जीरो इंटू 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 फोर, देख रहा हो ना। अब देखो प्लस 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 अब इस पूरे को लिखो टू वन थ्री इंटू 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 वन 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 इक्वल टू जीरो, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं टिक। अब देखो यार x माइनस फाइव माइनस वन देख रहा हो ना, अब इसको देख x बन जा x जीरो इंटू फोर इंटू जीरो जीरो प्लस टू बन जा टू, नीचे देखो जीरो इंटू एक्स जीरो टू फोर जा एट और प्लस वन बन जा वन और नीचे देखो टू एक्स जा टू एक्स प्लस थ्री बन जा थ्री इक्वल टू जीरो, यानी आ गया एक्स माइनस फाइव माइनस वन, ऊपर आ गया एक्स प्लस टू नीचे आ गया नाइन यहाँ पे आ गया टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो इधर 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 अब इसका मल्टीपल करना है ना, कैसे करेंगे तो पहले एक्स को लिखेंगे इंटू ये वाला एक्स प्लस टू प्लस माइनस फाइव को लिखेंगे इंटू ये वाला प्लस वन को लिखेंगे इंटू ये वाला टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखा अब क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करा दो प्यार से एकदम, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और आराम से प्लस माइनस क्या कर दो माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव माइनस अभी देखो टू एक्स अब प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब सुनो यहां पे गलती क्या हो रही है बता सकते हो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया लेकिन यहां पे 2x जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान देना छोटी छोटी मिस्टेक बर्बाद कर देती है। अब ये एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पे कर रहा हूं मैं यहां पे एक्स स्क्वायर 2x और 2x दोनों क्या हो गए कैंसिल, 45 3 कितना हो गया माइनस 48 ठीक है। अब देख इसको ट्रांसफर कर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बताओ जल्दी 48, अब स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस 148
इतना ही लिख सकते हो या इससे ज्यादा लिखना एक्स्ट्रा तो इसको और लिख सकते हो ऐसे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे देखो ना छोटे बच्चों वाला, टू से काटो, टू से काटो, टू से काटो, टू से काटो, टू टू फोर रूट थ्री, इसे लिख सकते हैं आप फोर रूट थ्री, ये छोटे बच्चों वाला भाई लिख लें आंसर, राइट इट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ ए डैश इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, ए डैश है बट बी है, और कहना है देन सो दैट ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, मतलब शो करना है तुम्हें ये इसके इक्वल है। कैसे शो करोगे तो ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के जस्ट बाद यहां पे ए डैश का मान दिया कितना है, 3 माइनस 1 0, यहां 4 2, यहां पे 1। सुनो ए डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, अगर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो इसको ए में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ए में कन्वर्ट करूंगा ना तो क्या करेंगे, इस पूरे को ऐसा कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, करो कन्वर्ट, तो 3 माइनस 1 0, यहां पे 4 2 1। देखो मैंने क्या किया, ये कॉलम था इस कॉलम को कन्वर्ट कर दिया रो में, ये कॉलम था इसको कन्वर्ट कर दिया रो में, देखो अब रो में कन्वर्ट कर दिया था, हमको ए डैश मिल गया, ए मिल गया। सिमिलर यहां बी का मान कितना दिया आपका, माइनस 1 2 1 1 2 3, इसका बी डैश निकाल दो ऑन द स्पॉट। अब ये कॉलम में रो में है तो इसे कॉलम में कर दो, तो ये हो गया माइनस 1 2 1 1 2 3, ये पूरा सीधा हो गया, ये पूरा सीधा हो गया, देखा। अब क्या करोगे तुम, ए माइनस बी निकालो, तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे, तो एक मान मुझे पता है, देखो 3 माइनस 1 4 2 0 1, माइनस बी कितना दिया देखो, माइनस 1 2 1 1 2 3, माइनस कर जल्दी, ए माइनस बी कितना आएगा, 3 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 4 नहीं, देखो 3 था माइनस माइनस प्लस तो जोड़ देंगे इसलिए 4। अब देखो माइनस 1 में से 2 गया माइनस 2 तो माइनस 3, 0 में से 1 गया माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया माइनस 2, ये आ गया a माइनस बी। अब a माइनस बी का डैश पूछा है, बोला है डैश, तो इसका a माइनस बी का डैश निकाल दो, डैश निकालो तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे नचा दो, तो ये हो गया तुम्हारा 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, देखा अब एक निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया भाई। अब इसी तरह सिमिलर राइट हैंड साइड पता करना है मुझे, लेफ्ट तो निकाल दिया मैंने, अब राइट बचा है, राइट कैसे निकालेंगे, देखो इधर ए डैश माइनस बी डैश, तो यहां देखो ए डैश माइनस बी डैश, चल बताओ ए डैश कितना था, गिवन था 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस माइनस 1 2 1 1 2 3, देखा। अब इसको माइनस कर दें, ए डैश माइनस बी डैश कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 4, कैसे माइनस माइनस 1 तो 4 हो गया, ठीक ना भाई, तो ये हो गया 4। अच्छा बताओ 1 में से 2 गया कितना बचा, इसको इसमें माइनस करते हैं तो माइनस 3, 0 में से 1 गया माइनस 1, 4 में से अगर मैं कहूँ 4 में से बताओ 1 गया तो कितना बचेगा 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया माइनस 2। अब इसको देखो ध्यान से, और इसको इसमें देख 4 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 3 3 0 0 माइनस 2 माइनस 2, हैंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ, देखो हो गया ना भाई, राइट इट इन नेक्स्ट।